हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 में हम लोगों ने अनियन का कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी हम लोग डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये नेक्स्ट बल्ब क्रॉप को हम लोग लेक्चर 5 में कवर करेंगे, गार्लिक, है ना। तो अनियन और गार्लिक दोनों ही बल्ब क्रॉप हैं और दोनों का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस लगभग लगभग सेम है। तो लेकिन फिर भी हम लोग गार्लिक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि गार्लिक का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले गार्लिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं। गार्लिक को बॉटेनिकली कहते हैं एलियम सेटाइवम, ठीक है। आप लोगों ने देखा है लहसुन की बात हम लोग कर रहे हैं, गार्लिक को हिंदी में लहसुन बोलते हैं, बॉटेनिकली बोलते हैं एलियम सेटाइवम। फैमिली एलिएसी, एलिएसी फैमिली से ये भी बिलोंग करता है और इसका क्रोमोजोम नंबर 16 है, ठीक है। जैसे अनियन का क्रोमोजोम नंबर 16 होता है, वैसे ही गार्लिक का भी क्रोमोजोम नंबर 16 है। दोनों ही पौधे मोनोकॉट हैं, डाइकॉट नहीं है, मोनोकॉट। इनकी लीफ देख करके आप समझ सकते हैं कि दोनों ही पौधे मोनोकॉट हैं। बॉटेनिकली अगर देखा जाए तो गार्लिक का बल्ब जो अनियन के बल्ब से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर हैं दोनों बल्ब, ठीक है। गार्लिक में क्या होता है कि गार्लिक में जो बल्ब है वो कई सारी बल्बलेट्स का ग्रुप है। लहसुन में आप देखिए जो बल्ब है वो, प्याज और लहसुन में फ़र्क होता है। लहसुन को जब आप ऊपर की ट्यूनिक, उसकी जो ऊपर की ड्राई मेम्ब्रेन है, जब उसको कवर हटाते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो देखिए बहुत सारे छोटे छोटे जो है बल्बलेट्स आपको मिलेंगी, है ना। उसको वो एक्चुअली वो है ऑक्सिलरी बड, वो एक्सिलरी बड हैं जो एक सेंट्रल बड से प्रोड्यूस होती हैं। साइड में ढेर सारी एक्सिलरी बड्स रहती हैं जो सर्कुलरी अरेंज्ड रहती हैं, जिनको बोलते हैं क्लोव, CLOVE, क्लोव बोला जाता है, ठीक है ना। और ये सारी की सारी क्लोव या सारी की सारी एक्सिलरी बड एक कॉमन ट्यूनिक जिसको बोलते हैं, या ड्राई मेम्ब्रेन लीफ, ड्राई मेम्ब्रेनस कवर से, लीफ कवर से वो ढकी रहती है, है ना। तो बस इतना ही फ़र्क है अनियन गार्लिक में। बाकी इसमें भी स्टेम जो है सर्कुलर डिस्क टाइप फ्लैट एंड स्टेम बेस पर होता है और वहाँ से फाइब्रस रूट ओरिजिनेटेड रहती हैं, है ना। और बाकी जो एडिबल पोर्शन है, क्लोव जो बल्बलेट्स बनी हुई हैं, वो फ्लैशी लीव्स की वजह से बनी हुई हैं। तो ये गार्लिक और अनियन जो हैं दोनों ही बल्ब, बस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब और देखते हैं इंट्रोडक्शन में। गार्लिक इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बल्ब क्रॉप ग्रोन एंड यूज एज स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स थ्रू आउट द इंडिया। गार्लिक को ज़्यादातर ये वेजिटेबल में हम लोग इसको कम कंसिडर करते हैं, ये मेनली एक स्पाइस क्रॉप है। इसी तरह अनियन भी स्पाइस में भी आता है और वेजिटेबल में भी आता है, ठीक है। तो जब आप लोग स्पाइस की भी अगर बात की जाए तो गार्लिक को सबसे पहले आप, ये स्पाइस क्रॉप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हेल्दी गार्लिक बल्ब कंटेन एलिसिन, है ना। जो गार्लिक बल्ब होते हैं उसमें एलिसिन नाम का केमिकल होता है। एक ये कलरलेस, ओडोरलेस और वाटर सल्यूबल एमिनो एसिड है। जब इसको क्रश करते हैं गार्लिक के बल्ब को, तो एलिनेज नाम का जो एंजाइम होता है वो इस एलिन नाम की प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एलिसिन। यही एलिसिन फर्दर सिंथेसिस करता है डाई एलाइल डाई सल्फाइड, जो कि गार्लिक में पंजेंसी के लिए प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। यानी कहने की बात ये, ओवरऑल अगर कहा जाए तो गार्लिक में जो पंजेंसी होती है वो होती है बिकॉज ऑफ द केमिकल डाई एलाइल डाई सल्फाइड। अनियन में क्या थी, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अनियन में है एलिल प्रोपिल डाई सल्फाइड और गार्लिक में है डाई एलाइल डाई सल्फाइड। तो गार्लिक में पंजेंसी के लिए यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। ओरिजिन देखते हैं, गार्लिक की भी ओरिजिन वही है जो अनियन की है, सेंट्रल एशिया और सदर्न यूरोप, यानी जो भूमध्य सागर के आसपास वाली कंट्री हैं या आसपास वाला रीजन है, वही गार्लिक का सेंटर ऑफ ओरिजिन है। मेडिटेरेनियन रीजन मतलब भूमध्य सागर के आसपास वाला क्षेत्र, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो गार्लिक और अनियन की लगभग लगभग चीज़ें सेम हैं, बस जहाँ जहाँ पर अंतर है चीज़ों को आप लोग समझते चलिएगा। अब देखते हैं गार्लिक को क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए कल्टीवेशन के लिए।
तो गार्लिक की कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट और सॉइल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसी कि अनियन को चाहिए। ये भी कूल सीजन की क्रॉप है। हाँ, ये पाला बर्दाश्त कर सकती है। गार्लिक की जो फसल है, अगर बाई चांस ठंड ठंड का टाइम पीरियड पे तो होती है, लेकिन उस टाइम अगर पाला पड़ जाता है तब भी ये फसल काफ़ी हार्डी होती है। गार्लिक लहसुन काफ़ी जो है सख्त होता है और पाला को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, यानी पौधा मरने नहीं पाता है। ठीक है, बाकी इसको भी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ठंडा तापमान चाहिए, और जब बल्ब डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब अंडरग्राउंड पोर्शन पे, जब लहसुन का डेवलपमेंट के लिए लंबा दिन यानी लॉन्ग डेज और हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फेब्रुअरी मार्च से, जैसे ही जैसे मतलब मार्च की फर्स्ट वीक से या फेब्रुअरी लास्ट से, आप देखिए हमारे यहाँ इधर नॉर्थ इंडियन कंडीशन में दिन लंबे होने लगते हैं और जो है टेम्परेचर धीरे धीरे रेज करने लगता है ना, और वो बल्ब डेवलपमेंट को फेवर करता है। तो लगभग जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो 12 आवर्स या उससे ज़्यादा के लिए ये इतनी रिक्वायरमेंट होती है गार्लिक को, है ना। तो ये सेम है, ऐसा ही अनियन के लिए भी था। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल कंडीशन भी एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए गार्लिक को जैसे अनियन की थी। ये भी बल्ब क्रॉप है, तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? लगभग सैंडी लूम सॉइल होनी चाहिए ताकि बल्ब मतलब सॉइल कॉम्पैक्ट ना होने पाए। बहुत क्लेई सॉइल होगी तो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो प्रॉपर बल्ब का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो सैंडी लोम नेचर की होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैट। अगर फिर भी क्लेई सॉइल है, अगर चिकनी मिट्टी ज़्यादा है, तो कोशिश करिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा अप्लाई कर दीजिए, जिससे मिट्टी का टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाए, मिट्टी में एरेशन डेवलप हो जाए, है ना। प्रॉपर एरेशन हो जाएगा तो बल्ब डेवलपमेंट ईजली होगा। pH 6 to 7 के बीच में सूटेबल रहता है इसके लिए। हाईली एल्कलाइन एंड सेलाइन सॉइल, यानी 7 के अबव या मैक्सिमम 8 या 8 से अबव बिल्कुल नहीं होना चाहिए सॉइल का pH, क्योंकि फिर वो गार्लिक कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। वैरायटी इसकी देखिए, गार्लिक की वैरायटी ज़्यादातर महाराष्ट्र में दो रिसर्च सेंटर हैं, एक है NHRDF नासिक में और दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन गार्लिक रिसर्च पुणे में। ये दोनों ही सेंटर महाराष्ट्र में है। NHRDF का पूरा नाम है नेशनल हॉर्टिकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन नासिक महाराष्ट्र, और DOGR है डायरेक्टरेट ऑफ अनियन गार्लिक रिसर्च पुणे महाराष्ट्र। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा अगर पूछा जाए कभी कि बल्ब क्रॉप से रिलेटेड रिसर्च के दो बड़े रिसर्च सेंटर आप बताइए, तो वो है NHRDF नासिक और डायरेक्टरेट ऑफ अनियन गार्लिक रिसर्च, ठीक है, पुणे में है ये। तो आप देखिए ये NHRDF से जो रिलीज्ड वेराइटी हैं उनके नाम देख लीजिए। NHRDF ने एग्री फाउंड वाइट वेराइटी रिलीज़ की है, एग्री फाउंड पर्वती, यमुना सफ़ेद, यमुना सफ़ेद 2, यमुना सफ़ेद 3, यमुना सफ़ेद 4, ये वेराइटीज़ जो है NHRDF से रिलीज्ड हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन गार्लिक रिसर्च से जो वेराइटी रिलीज है वो है भीमा ओमकार, भीमा पर्पल, भीमा सफ़ेद, गोदावरी और श्वेता। ये वेराइटी डायरेक्टरेट ऑफ अनियन गार्लिक रिसर्च की है। और जो लास्ट वेराइटी है फूले बसंत, ये वेराइटी रिलीज हुई है महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ रहुरी महाराष्ट्र, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, तो ये वहाँ से जो वैरायटी निकली है गार्लिक की वो है फूले बसंत। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए हर जितने भी ICR के रिसर्च सेंटर हैं जो वेजिटेबल पे वर्क कर रहे हो या फ्रूट पे वर्क कर रहे हो, आप ICR की सारे रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर की जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट्स में, उन सब की लोकेशन और नाम याद रखिए, क्योंकि वहाँ से जो भी वैरायटी प्रोड्यूस होती है वो उस यूनिवर्सिटी का नाम उस वैरायटी के आगे होता है। तो इससे वैरायटी को याद करना आसान रहता है और ये भी पता होता है कि ये वैरायटी कहाँ से रिलीज़ हुई होगी, है ना। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये जैसे एग्री फाउंड है, यमुना है, ये सब NHRDF से रिलीज्ड है, और भीमा नाम से जितनी भी वैरायटी हैं वो सब डायरेक्टरेट ऑफ अनियन गार्लिक रिसर्च से हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को याद करने की प्रैक्टिस डालनी होगी, एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वन सेकेंड,
नेक्स्ट है कल्टीवेशन। अब गार्लिक का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? तो कल्टीवेशन के लिए सबसे पहले प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो प्रोपोगेशन में अगर हम देखें तो गार्लिक का प्रोपोगेशन सीड के थ्रू नहीं होता, हम गार्लिक को वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट करते हैं। जैसे हमने अनियन में देखा, अनियन को सेक्सुअल मेथड से प्रोपोगेट करते थे, बीज के माध्यम से उसकी नर्सरी बन रेज करके और फिर फाइनली फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। पर गार्लिक के साथ ऐसा नहीं है। गार्लिक में हम सीड जो ये गार्लिक है, सॉफ्ट नेक वाला गार्लिक है, एडिबल गार्लिक, इसमें फ्लावर इसके स्टराइल होते हैं, इसलिए इनमें सीड सेट नहीं हो पाता है। इसलिए गार्लिक को हम लोग सीड के माध्यम से प्रोपोगेट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी गार्लिक में सीड प्रोडक्शन नहीं होता, बहुत सी गार्लिक की स्पेशीज़ हैं, वाइल्ड वेराइटी हैं, हार्ड नेक वाली हैं, जिनमें सीड प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो ये कल्टिवेटेड गार्लिक की जो वेराइटी आती हैं, जो अभी रिलीज है, इनमें सीड सेट की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम लोग गार्लिक को सेक्सुअली या सीड के माध्यम से प्रोपोगेट नहीं करते, हम इनको वेजिटेटिव मेथड से प्रोपोगेट करते हैं। तो वेजिटेटिव मेथड से किससे? गार्लिक में जो बल्बलेट्स हैं या क्लोव्स जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से गार्लिक का प्रोपोगेशन किया जाता है ना। तो ऑल द क्लोव्स आर प्लांटेड एक्सेप्ट द लॉन्ग स्लेंडर वंस इन द सेंटर। अब कौन सी क्लोव को सेलेक्ट करेंगे? अगर आप देखिए कि लहसुन में दो या तीन लेयर्स में क्लोव्स अरेंज रहती हैं, लहसुन में जो बल्बलेट्स हैं दो या तीन सर्कल में अरेंज रहती हैं, तो आपको आउटर सर्कल की जो है क्लोव्स को सिर्फ कलेक्ट करना है, क्योंकि जो आउटर वाली सर्कल में जो क्लोव्स होती हैं वो हेल्दी होती हैं, लार्ज साइज़ की होती हैं, है ना। और जो सेंटर में अगर आप लेयर आप एक ले एक सर्कल क्लोव्स की हटाइए तो मिडिल और एकदम अंदर वाली देखिए तो बहुत पतली पतली लहसुन के जवे निकलते हैं, क्लोव्स निकलते हैं, जो कि हेल्दी नहीं होते हैं और उनको हम लोगों को प्लांटेशन के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ मोटे बल्बलेट्स को ही हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो बल्बलेट्स हैं या बल्बिल्स हैं वो बहुत ही हेल्दी होने चाहिए, डिजीज्ड नहीं होने चाहिए, डैमेज्ड नहीं होने चाहिए, है ना। तो ऐसे बल्बलेट्स को सेलेक्ट कर लेंगे तो अबाउट 150 टू 200 केजी क्लोव्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर एक हेक्टेयर में आपको लहसुन का प्लांटेशन करना है। तो 150 से 200 केजी क्लोव्स आपके पास होने चाहिए, हेल्दी क्लोव्स, है ना। अब प्लांटिंग कैसे करेंगे और प्लांटिंग टाइम क्या होगा? प्लांटिंग टाइम जो कूल सीजन का टाइम होगा तो हम लोग सितंबर अक्टूबर में ही हम लोग इसकी प्लांटिंग कर देते हैं, या कहीं कहीं पर जून जुलाई में भी प्लांटिंग की जाती है, जैसे साउथ वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जून जुलाई में गर्मी नहीं पड़ती है, अच्छी बारिश होने लगती है और टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। पर नॉर्थ इंडिया में हम लोग अपने यहाँ हम लोग अक्टूबर नवंबर या सेप्टेम्बर से ही स्टार्ट कर देते हैं, सेप्टेम्बर से नवंबर तक हम लोग प्लांटिंग इसकी करते हैं। उसके बाद हम लोग प्लांटिंग फिर नहीं करेंगे, नवंबर से अगर अबव टाइम हो जाएगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि आधा ठंडी का टाइम तो बीत ही चुका होगा, है ना। तो सेप्टेम्बर से नवंबर तक इसका प्लांटिंग टाइम है। तो दो मेथड है प्लांटिंग के, एक है डिबलिंग मेथड और दूसरा है फरो प्लांटिंग। डिबलिंग में क्या करते हैं? डिबलिंग में करते हैं कि जहाँ पर हम लोगों को लहसुन लगाना है, मतलब मेन फील्ड में, इसकी कोई नर्सरी वगैरह तो करनी नहीं है, वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होना है क्लोव के माध्यम से, तो डायरेक्ट फील्ड को हम क्या करते हैं, अच्छे से उसको प्लॉइंग कर लेंगे, उसकी जोताई कर लेंगे, फिर निराई और जितनी वीड्स वगैरह है वो सब हटा करके एकदम लेवल कर लेंगे, मिट्टी लूज़ होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग पूरी फील्ड को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। प्लॉट्स कितने बड़े होंगे कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि आपको सिंचाई करना किस तरह से आसान पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग हम प्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं पूरी लैंड को, ठीक है। फिर जब छोटे छोटे प्लॉट्स बन जाते हैं तो फिर उसमें हम क्लोव्स का प्लांटेशन करते हैं, डिबल करते हैं, मतलब बोते हैं। डिबलर एक आता है बोने के लिए, उसकी मदद से भी कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एरिया है तो मैकेनिकली डिबलर की मदद से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ छोटा एरिया है तो मैन्युअली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोव्स जो होते हैं उनको मिट्टी में गहराई में 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई में अंदर बोना चाहिए। किस तरह से बोएंगे? अब क्लोव में देखिए, एक स्टेम वाला एंड होगा लहसुन में और एक जो है उसकी टेल वाला पार्ट होगा, मतलब जहाँ पर ड्राई लीफ का थोड़ा सा रेमिनेंट
आपको दिखाई देगा, है ना। तो जो स्टेम वाला पार्ट है उसको ज़मीन की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ, और जो टेल वाला पार्ट है, जो जहाँ पर ड्राई लीव्स वाला जो रेमिनेंट बचा हुआ है, वो अपवार्ड लोकेशन में होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप जो है 5 सेंटीमीटर गहराई में क्लोव्स को बोएंगे। अब कितने रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम है, 15 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस रखिए, और 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी एक रो में 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्लोव्स का प्लांटेशन करिए, और दो रो के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। दूसरा मेथड है फरो प्लांटिंग। फरो प्लांटिंग में क्या होता है, फरो प्लांटिंग आर मेड 15 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि फरो बना करके, जैसे कि ऐसे जो है आप डिबलिंग में क्या होता है कि थोड़ा समय लगेगा अलग अलग जगह पे लोकेट करने में, या फिर एक और तरीका है कि 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे फरो बना दीजिए, ठीक है। और एक हैंड हो आता है उसकी मदद से, या कॉटन ड्रिल आता है उसकी मदद से, बस लहसुन को लाइन से 7.75 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते जाइए, और इकट्ठे फरों को हल्की मिट्टी से ढक दीजिए, है ना। तो प्लांटेड चाहे डिबलिंग का मेथड हो चाहे फरो प्लांटिंग का हो, बोने के बाद जो है लाइट लेयर से, बूटी लेयर मिट्टी की नहीं चढ़ानी है, बहुत हल्का सा ढकना है, और जो है ज़रूरत हो तो लाइटली इरिगेट कर लीजिए। पर कोशिश करनी चाहिए कि आप जब बुआई करें तो मिट्टी में इतनी ज़्यादा मतलब मिट्टी में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए, ताकि आपको जो है तुरंत इरिगेशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि तुरंत इरिगेट करने पर कभी कभी क्या होता है ऊपर कॉम्पैक्ट लेयर बन जाती है, तो स्प्राउटिंग में लहसुन को प्रॉब्लम होती है, है ना। तो ऑलरेडी पहले से मिट्टी जो है मॉइस्ट रहेगी, तो आपको सिर्फ हल्के से ढक देना और छोड़ देना है, उसके बाद विद इन अ वीक वो अपने आप लहसुन स्प्राउट कर जाएगा, फिर उसके बाद आप इरिगेशन करिए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर फर्टिलाइज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, लगभग सेम ही है, ये वेरी करती है, वेरी मतलब कि सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब ज़रूरी नहीं है कि जो अब महाराष्ट्र में अगर कहा गया है, वहाँ की मिट्टी पर रिसर्च की गई और कहा गया कि इतना 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 NPK अप्लाई कर दी, तो ज़रूरी नहीं है UP रीजन के लिए भी वही हो, तो ये रीजन वाइज स्पेसिफिक होता है। इसके लिए बेहतर हो कि आप अपनी सॉइल टेस्टिंग कराएं, सबसे पहले उसमें खुद चेक कर लें कि हमारी अपनी सॉइल में कितना ऑलरेडी NPK है और कितने की कमी है, तो उस अकॉर्डिंग हम डोज जो है फाइनलाइज करेंगे। लेकिन फिर भी एक जनरल रिकमेंडेशन दिया गया है कि 50 टन FYM की रिक्वायरमेंट होती है 1 हेक्टेयर में, और 1 हेक्टेयर में अगर लहसुन की बुआई की गई है तो उसको 100 kg नाइट्रोजन चाहिए, 50 kg फॉस्फोरस और 50 kg पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है, 150-50 का रेशियो होता है, और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़रूर होने चाहिए, और हाँ सल्फ़र भी, सल्फ़र का एप्लीकेशन, सल्फेट का भी एप्लीकेशन एज अ फर्टिलाइज़र ज़रूरी होता है। इरीगेशन वैसे ही इन जनरल गार्लिक नीड्स 8 डेज इरीगेशन एट 8 डे इंटरवल, 8-8 दिन के इंटरवल पर इरीगेशन करना चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान, है ना, एंड 10-15 डेज ड्यूरिंग मैच्योरेशन, और जब मैच्योर होने लगे यानी बल्ब डेवलप होने लगे तो 15-15 दिन पर इरीगेशन करना चाहिए। जब क्रॉप मैच्योर हो जाए मतलब हार्वेस्टिंग का टाइम जब आ जाता है ना, लगभग 5-6 महीना लग जाते हैं पूरी क्रॉप को डेवलप होने के लिए, तो हम जब मैच्योरिटी पीरियड आता है तो इरिगेशन रोक देना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से हार्वेस्टिंग के 20 दिन पहले तो बिल्कुल इरिगेशन रोक देना चाहिए, ताकि मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए और आपका जो लहसुन है या गार्लिक है उसमें भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे, वरना आप हम स्टोर नहीं कर पाएंगे उसको लंबे समय के लिए, है ना। तो वो हार्ड जो ड्राई हो जाए, ऊपर की लहसुन की जो ऊपर की मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाए, मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, तो इसलिए 20 दिन पहले इरिगेशन रोक दीजिए। अगर आप कंटिन्यू इरिगेशन करेंगे मैच्योरिटी के बाद भी, तो वही बात है कि स्टोरेज में बल्ब जो क्या बोलते हैं लहसुन के जो क्लोव्स हैं या बल्बलेट्स हैं वो सड़ने लगेंगे, और बल्ब डिसकलर भी हो जाता है यानी ब्लैकिश ब्लैकिश सा भी हो जाता है, जिससे कि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं रह जाएगी। और अगर बहुत दिन ज़मीन सूखने के बाद भी आपने अचानक से इरिगेशन कर दिया कभी बीच में, सपोज़ दैट मान लीजिए 15-15 दिन पे इरिगेशन कर दिया, और बहुत तो आप किसी बार इरिगेशन मिक्स स्किप कर देते हैं यानी लंबा दिन लंबा इंटरवल हो जाता है, तब आप अचानक से इरिगेशन करते हैं तो होगा क्या कि जो है
बल्ब्स में स्प्लिटिंग हो जाती है, अचानक से बल्ब जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो है स्प्लिट कर जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, रेगुलर मॉइस्चर सॉइल में मेंटेन रहना चाहिए, है ना। और बहुत एक्सेसिव इरिगेशन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बल्ब में बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर हो जाएगा, तो स्टोरेज में रॉटिंग भी होगी और स्प्राउटिंग की भी समस्या आएगी। तो ये सब बातें इरिगेशन से रिलेटेड हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या है, वही है कि बल्ब डेवलपमेंट प्रॉपर हो, तो इसलिए सॉइल इरिगेट करते करते कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो सॉइल को रेगुलर जो है पोरोसिटी और एरेशन बनाए रखने के लिए उसमें रेगुलर उसकी निराई गुड़ाई होनी चाहिए। तो जब गुड़ाई होगी तो साथ ही साथ वीड वगैरह भी रिमूव करते रहना है, ताकि क्रॉप और वीड का कंपटीशन ना होने पाए, है ना। तो मैनुअल जो है वीडिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो प्री प्लांटेशन से पहले जो है आप पेंडीमिथेलिन, है ना, का स्प्रे कर दीजिए अपनी फील्ड में, ताकि काफ़ी सारे वीड्स 50% या जितने भी मतलब वीड ख़त्म होने हो वो हो जाएं, और थोड़े ही वीड रह जाएं मैनुअली इरेडिकेट करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये वही चीज़ लिखा हुआ है। फिर है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कब करते हैं, गार्लिक बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग व्हेन इट्स टॉप्स टर्न्स येलोइश। जब ऊपर की पत्ती, जब ऊपर जो टॉप है इसका, टॉप्स मतलब यहाँ पत्ती को बोल रहे हैं, जब ऊपर का जो टॉप है वो पूरी तरह से पीला पड़ जाए, पत्ती पूरी तरह से पीली पड़ जाए, तो समझ जाइए गार्लिक जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, है ना। या ब्राउन, या पीली पड़ के ब्राउनिश ब्राउन और ज़्यादा सूख जाए तो ब्राउनिश हो जाए, तो समझ जाए। और टूट अपने आप पत्तियाँ गार्लिक को के मतलब पत्तियाँ एकदम बल्ब से अलग भी हो जाती हैं फील्ड में ही, तो समझ जाइए कि अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग एट दी स्टेज व्हेन टॉप्स हैव फॉलन ओवर गिव्स गुड क्वालिटी के बल्ब मिलते हैं, है ना। बल्ब्स आर टेकन आउट अलॉन्ग विद टॉप्स एंड विंड्रो गैदरिंग सेवरल रोज इन ईच रो फॉर क्यूरिंग। उसके बाद इसको भी क्यूरिंग के लिए रखने के लिए हम गुच्छे में सारी गार्लिक को जो है उसकी जो टॉप वाला पोर्शन है उसके साथ इकट्ठा कलेक्ट करके उसको गुच्छे में बांध लेते हैं एक क्लस्टर बना करके, और उसके बाद उसको हैंग करा देते हैं किसी शेडी लोकेशन में। अभी आगे देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, वहाँ समझ आएगा, ठीक है। और ईल्ड कितनी होती है, द ईल्ड ऑफ बल्ब वेरीज फ्रॉम 100 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर डिपेंडिंग अपॉन दी वेराइटी एंड रीजन। यानी 100 से 200 क्विंटल के बीच में एक हेक्टेयर में उपज देखी गई है, अलग अलग वेराइटी में, अलग अलग रीजन में, ठीक है। तो ये आपका गार्लिक के कल्टीवेशन था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गार्लिक का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट देखेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।